की जांच कराओ। आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त मार्च निकाल रहे हैं दिल्ली विधानसभा के भीतर। दुर्गेश, क्या मांग आप लोग कर रहे हैं आज? भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया है कि ऑपरेशन लोटस की जांच होनी चाहिए। हम पूरी तरह से समर्थन में है। देश जानना चाहता है कि पिछले सालों में 277 से ज्यादा विधायक खरीदे गए, इनकी खरीद फरोख्त में 6300 करोड़ रुपए लगे। ये पैसे कहां से आए, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। हम पूरी तरह से तैयार हैं। पूरे देश के अंदर 277 MLAs खरीदे गए, उनकी खरीद फरोख्त में 6300 करोड़ रुपए हुए, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, इसका आधार क्या है, किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच होगी? क्योंकि जब जांच होती है तो सबूत मांगे जाते हैं, आप क्या सबूत पेश करेंगे? सारे सबूत हैं, सारे सबूत भी दे देंगे, पहले जांच तो शुरू हो। जांच शुरू हो। और यहाँ पे तमाम विधायक आम आदमी पार्टी, ये देखिए तस्वीरों में यहाँ पर नजर आ रहे हैं नारेबाजी करते हुए। दिलीप जी, क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? देखिए, पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी, हम सब लोग तीन सवाल उठा रहे हैं, तीन मुद्दे उठा रहे हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि उन तीन में से एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भी सहमत होती दिख रही है, और मुद्दा है ऑपरेशन लोटस की जांच। पूरे देश में अब तक 277 विधायक भारतीय जनता पार्टी खरीद चुकी है। इन 270 विधायकों को खरीदने के लिए तकरीबन 6300 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। हम कब से कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। हम बड़े खुश हैं, बल्कि हम आग्रह कर रहे हैं भाजपा के नेताओं से कि अब ये मुद्दा उठा दिया है तो इस पर टिके रहिएगा, आगे पीछे मत करिएगा, इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई के दरवाजे पे भी आप जा रहे हैं शिकायत करने, सीबीआई आपसे आधार मांगेगा, सबूत मांगेगा, कागज मांगेगा, आप कैसे इसको साबित कर पाएंगे? आधार और सबूत लाने का ही तो काम करना है जांच में, और होता क्या है भाई? पूरे देश ने देखा है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ। कर्नाटक में हुआ, गोवा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, मणिपुर में हुआ, मध्य प्रदेश, हर जगह हुआ। पूरे देश ने लोकतंत्र का की हत्या होते हुए देखा है। हम चाहते हैं, भाजपा भी चाहती है, हम दोनों चाह रहे हैं अब कि इसकी जांच होनी चाहिए, और 6300 करोड़ रुपए का जो नोट, जो घोटाला है, ऑपरेशन लोटस का जो पैसा लगा है, काला धन लगा है, इसकी जांच होकर इसका सच सामने आना चाहिए। ऑपरेशन लोटस, जिसके तहत बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए देश के अलग अलग राज्यों में लगभग 277 विधायक खरीदे। एक विधायक, जैसे दिल्ली में हमारे साथियों को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किया गया, तो लगभग 6300 करोड़ रुपए बीजेपी का कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ पे आपने पुतला तो फूंक दिया, लेकिन अब सीबीआई के सामने क्या आप सबूत पेश करें? देखिए, बहुत सारी ऑडियो, बहुत सारी वीडियो आई है, खोका खोका येदुरप्पा जी की वीडियो ऑडियो है, कितने सारे ऐसे सबूत हैं, एक बार जांच तो करिए। जांच एजेंसी का काम है कि ये जो ऑपरेशन लोटस है, इसको पूरी तरह से वो जनता के सामने लेकर आए। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो आक्रामक रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। उधर भाजपा ये आरोप लगा रही है कि आप जो बात कह रहे हैं कि विधायक खरीदने की कोशिश हुई, संपर्क किया गया, उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, लाई डिटेक्टर से जांच होना चाहिए, बीजेपी की इस मांग पर आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि हमारी भी करा लें और बाकी जो 277 खरीदे गए उनकी भी करा लें। हम तो कह ही रहे हैं, हम चाहते हैं कि पता तो लगे कि जब लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया तो भाजपा ने उनके दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोड़ के अपनी सरकार बना ली, तो उसकी जांच होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं जांच की मांग को आप मानते हैं? जैसे मर्जी कराएं, जिस मर्जी से कराएं, जांच कराएं और तरीके से कराएं। हम तो चाहते हैं जांच हो, पता तो लगे किसके पैसे थे, कहां से आए, नोटबंदी के अंदर कैसे पैसे तब्दील हुए और किस चीज में इस्तेमाल हुए, कराएं जांच। यहाँ पे पुतला फूंक दिया गया है और भाजपा का पुतला बनाकर यहाँ पर पहुंची हुई थी आम आदमी पार्टी, जिसमें ऑपरेशन लोटस लिखा हुआ था। तमाम जो विधायक थे आम आदमी पार्टी के, वो प्रदर्शन करते नजर आए। दिल्ली विधानसभा का सदन जो है वो एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, हंगामे के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। विश्वास मत को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, लेकिन इसके बाद जैसे ही विधानसभा में हंगामा शुरू हुआ, उसके बाद सदन को 1 सितंबर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और उसके बाद तमाम आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो मार्च करते हुए, नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आए और उन्होंने पुतला फूंक दिया। कैमरामैन अभिषेक के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।